हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल, और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नेस्टेड क्लासेस इन जावा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेस्टेड क्लासेस जावा में क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं और कब ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप फैमिलियर हो, थोड़ा बहुत भी आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप किया हो या आपने AWT पे कोई एप्लीकेशन डेवलप किया हो, छोटा मोटा ही एप्लीकेशन, या आपने स्विंग पे कोई एप्लीकेशन डेवलप किया हो, तो आपने ज़रूर ही वहाँ पे एनोनिमस क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा। जब भी आप लोग लिसनर लगाते हो, फिर हो चाहे एंड्रॉयड में, चाहे स्विंग में, चाहे जावा एफएक्स में, या किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप लिसनर्स लगाते हो, तो कहीं ना कहीं एनोनिमस क्लास का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हो जावा में, अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करेंगे नेस्टेड क्लासेस क्या होते हैं, कितनी तरीके के होते हैं, और हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कैसे यूज़ करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेस्टेड क्लासेस क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्लासेस बनाते हैं। विदाउट क्लासेस जावा में हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम लोग सिंपली क्लास बना लेते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हम क्लासेस के अंदर मेथड्स बनाते हैं, मेथड्स, वेरिएबल्स। अगर हम किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बना दें, तो वो हमारा नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जावा हमें ये अलाउ करता है टू डिफाइन अ क्लास विद इन अनदर क्लास। एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास बनाना जावा हमें अलाउ करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे इंटेलिजे आईडी ओपन है, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे SRC पे चलूँगा, आप भी इंटेलिजे आईडी डाउनलोड कर सकते हो और उसको फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। फिर जब आप ओपन करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो यहाँ पे इसी तरह विंडो आपको मिलेगी। तो सिंपली आप SRC पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम दे देंगे Pack 1। ठीक है, और इस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और सिंपली एक क्लास बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे ऐसे ही एग्जाम्पल क्लास। क्या दे देंगे नाम? ऐसे ही एग्जाम्पल क्लास। ठीक है, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हमारी ये एक सिंपल की जावा की क्लास है, और सिंपल जावा की क्लास है, इसका मतलब इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, इंटीजर ए इज इक्वल टू 90। ये सिंपल एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और इसी तरह हम लोग स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकते हैं, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू टेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, दैट मीन्स हम वेरिएबल्स बना सकते हैं किसी जावा के क्लास में। इतना तो हम लोगों ने सीखा ही, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने भी इतना सीखा होगा। तो एक क्लास है सिंपली, जिसका नाम है एग्जांपल, और उसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स बना दिए, और उसके अंदर हम मेथड बना सकते हैं। सपोज हमने कहा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ए, ठीक है, ये फंक्शन बना दिया मैंने, और मैंने एक को डिस्प्ले करा दिया सिंपली, एक को डिस्प्ले करा दिया सिंपली ए। ठीक है, तो हमने एक क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया और मेथड बनाया। बाई चांस अगर हम इस क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास बना दें, वेरिएबल मेथड तो ठीक है, अगर दूसरी क्लास बना दें तो वही हमारी नेस्टेड क्लास होगी। फॉर एग्जांपल, सिंपली जैसे ही आपने आउटर क्लास बनाया था, आप यहाँ पे आउट एक क्लास बना लीजिए, जैसे नाम दे दीजिए इनर। ठीक है, इनर क्लास, ये हमारी एक इनर क्लास बन गई, दैट मीन्स नेस्टेड क्लास बन गई, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। देखिए, ये ऊपर वाली क्लास है, ये अंदर वाली क्लास है, और सिंपली ऐसे ही बनाया है जैसे आपने ऊपर वाली क्लास बनाई थी। अब ऊपर वाली क्लास के अंदर भी आपने कुछ वेरिएबल्स और मेथड्स रखे थे, तो हम लोग नीचे वाली क्लास के अंदर भी कुछ वेरिएबल्स और मेथड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग सिटी, और सिटी में आप रख सकते हैं लखनऊ। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे भी फंक्शन बना सकते हैं। देखिए, पब्लिक वॉइड शो सिटी, और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे system.out.println, और हम लोग क्या कर सकते हैं सिटी एस, और फिर हम लोग सिटी की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई क्लास आप बनाते हो, उसके अंदर एक दूसरी क्लास बना देते हो, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लास। एक इंटरफेस के अंदर भी आप दूसरी क्लास बना सकते हो, डजेंट मैटर, बट वो भी कॉन्सेप्ट होगा इनर क्लास का। तो फ्रेंड्स, मेन चीज़, इंपॉर्टेंट बात है, ये काम करेंगे क्यों,
क्यों करेंगे, नेस्टेड क्लासेस हम क्यों बनाएंगे, एक क्लास के अंदर हम दूसरी क्लास क्यों बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए कुछ एडवांटेज हैं, जब आप ये करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। उस फ़ायदा को पाने के लिए आप क्या करते हो, नेस्टेड क्लासेस बनाते हो। तो एक एक करके हम लोग एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड क्लासेस कितनी तरीके की होती हैं, फिर बारी बारी से एक एक नेस्टेड क्लासेस सीखेंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और फिर हम उसको कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है नेस्टेड क्लासेस का वो है, इट इज़ अ वे ऑफ लॉजिकली ग्रुपिंग क्लासेस दैट आर ओनली यूज्ड इन वन प्लेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सबसे पहले चीज़ तो ये जो इनर क्लासेस हैं, ये जो नेस्टेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो ग्रुपिंग करने के लिए होता है, क्लासेस को ग्रुप करने के लिए, एक अलग टाइप की रिलेशनशिप बनाने के लिए। दैट मीन्स अगर आपके पास एक एग्जांपल क्लास है और इसके अंदर आप एक दूसरी क्लास बनाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि भाई इसके बाहर वालों को ना पता चले, या आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ एग्जांपल यूज़ हो उसी के साथ इनर क्लास भी यूज़ हो, आप नहीं चाहते हो कि इट इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, आप नहीं चाहते हो इनर क्लास एक दूसरी आइडेंटिटी हो और कोई सेपरेटली उसको यूज़ कर सके। हम चाहते हैं कि जहाँ इनर यूज़ हो उसी के साथ, एग्जाम्पल के साथ ही इनर यूज़ हो पाए। दैट मीन्स इसके अंदर ही ये रहे, दैट मीन्स ग्रुपिंग करने के लिए इनर क्लासेस यूज़ होती हैं, कि एक के अंदर भाई एक क्लास। अगर इनकेस आप चाहते हो कि भाई सिर्फ मैं एग्जाम्पल के अंदर ही ये क्लास यूज़ करूँ, तो आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो। अगर आपने इसको प्राइवेट कर दिया, दैट मीन्स अब आप इस क्लास के बाहर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बिकॉज एग्जाम्पल के अंदर ये प्राइवेट है। जैसे आप किसी वेरिएबल को प्राइवेट कर सकते हो, वैसे ही सेम वे इस इनर क्लास को भी प्राइवेट कर सकते हो। दैट मीन्स अब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये जो इनर क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के अंदर ही यूज़ हो पाएगी, आप इस आउटर क्लास के बाहर इस क्लास को यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने कोई क्लास बनाया और आप चाहते हो कि इस वाली एग्जांपल क्लास को एक दूसरे क्लास की ज़रूरत है, बट उस जो दूसरी क्लास होगी हमारी, हम नहीं चाहते कि वो क्लास कोई दूसरा देख पाए, वो सिर्फ यही एग्जांपल वाली क्लास यूज़ कर पाए, तो सिंपली आप एक प्राइवेट इनर क्लास बना दीजिए और इस क्लास को इसी क्लास में यूज़ कर लीजिए, इनर क्लास को अपने इस एग्जांपल क्लास के अंदर यूज़ कर लीजिए, बाकी आउटर वर्ल्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक फ़ायदा है कि आप क्या कर सकते हो, इनर क्लास बना सकते हो और उसी आउटर क्लास के साथ या तो यूज़ करोगे और या तो आप उसी क्लास के अंदर यूज़ करोगे बाय यूजिंग प्राइवेट। ऐसा करके आप पैकेज से भी क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास सिर्फ और सिर्फ पैकेज के अंदर ही यूज़ होगी, इस तरह आप प्रोटेक्टेड कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे कई सारे मॉडिफायर्स अप्लाई हैं, पब्लिक भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो और इसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो इनर क्लास को, क्योंकि ये जो क्लास है इनर क्लास वो एज अ नॉर्मल मेंबर है, तो हम लोग इसको भी प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, उसको भी प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। बट आपको ये चीज़ याद रखना होगी कि आउटर क्लास को सिर्फ और सिर्फ आप पब्लिक कर सकते हो और कोई चीज़ नहीं कर सकते, यहाँ प्राइवेट प्रोटेक्टेड अलाउड नहीं है। दूसरा एडवांटेज है कि इट इंक्रीजेस द इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हम चीज़ें आउटर वर्ल्ड से हाइड कर लें। ठीक है, तो सिंपली जैसे आपने क्लास बनाया और आपको हाइड करना है, तो सिंपली आप इसको प्राइवेट लगा दीजिए, इसको प्राइवेट बना दीजिए। दैट मीन्स ये जो क्लास है वो आपने आउटर वर्ल्ड से हाइड कर दिया इनर क्लास को। दैट मीन्स इट इंक्रीजेस, ये क्लास तो है ही है साथ ही साथ में, और साथ ही साथ में आपने इस एग्जाम्पल के बाहर इसे जाने भी नहीं दिया, इस एग्जाम्पल के अंदर ही आपने एक नई क्लास बनाई और उसी के अंदर उसे यूज़ कर लिया। दैट मीन्स इनकैप्सुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। द नेक्स्ट एडवांटेज इज इट कैन लीड टू मोर रीडेबल एंड मोर मेंटेनेबल कोड। सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए, कुछ हेल्पर क्लासेस एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए हेल्पर क्लासेस बनानी है, तो आप इनर क्लासेस को बना सकते हो। तो आप बाहर इफेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने किसके लिए बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपने आउटर क्लास के लिए बनाया है। दैट मीन्स रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी आप कि इस सॉफ्टवेयर, इस प्रोग्राम की बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो कि आपने ऐसा कोड लिखा, सपोज आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हो किसी मेन मेथड में, आपको एक दूसरी क्लास की जरूरत पड़ गई, तो आप उसी क्लास के अंदर क्लासेस बना लो, फिर चाहे नेस्टेड क्लास यूज़ करो, एनोनमस क्लास यूज़ करो, या नॉन स्टैटिक इनर क्लास यूज़ करो। ठीक है, तो ये हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये तीन एडवांटेज हैं, बेसिक एडवांटेज, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। It is a way of logically grouping the classes that are only used in one places. It increases the encapsulation. It can leads to more readable and more maintainable code. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ये नेस्टेड क्लासेस कितने तरीके की होती हैं। तो फ्रेंड्स, नेस्टेड क्लासेस कितने तरीके की होती हैं ये हम समझेंगे
अभी, ठीक है। तो सबसे पहले नेस्टेड क्लासेस, नेस्टेड क्लासेस की दो कैटेगरीज हो सकती हैं। दैट मीन्स अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा देता हूँ, अगर मैं कोई क्लास बना रहा हूँ ये क्लास, ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई इनर क्लास बनाऊंगा, क्योंकि क्लास के अंदर जब आप क्लास बनाओगे तभी वो इनर क्लास होगी। तो अगर हम इसके अंदर कोई क्लास बनाते हैं, सपोज हमने क्लास बना लिया इनर, ठीक है, इट इज़ अ इनर क्लास, ठीक है, ये हमारी एक इनर क्लास है। तो ये जो इनर क्लास होती है वो दो तरीके की हो सकती हैं, दो तरीके हो सकती हैं, कौन कौन सी। एक होगी नेस्टेड स्टैटिक इनर क्लास, जिसको हम लोग नेस्टेड क्लास बोलते हैं, स्टैटिक इनर क्लास। दूसरी क्लास होगी नॉन स्टैटिक इनर क्लास, जिसको सिर्फ हम लोग इनर क्लास के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप पूछिए, जिस तरह किसी भी क्लास के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, वैसे ही किसी भी क्लास के अंदर दो तरीके की क्लासेस भी हो सकती हैं, एक स्टैटिक क्लासेस और एक नॉन स्टैटिक क्लासेस। स्टैटिक क्लासेस को हम लोग सिंपली नेस्टेड क्लासेस बोलते हैं, और नॉन स्टैटिक क्लासेस को हम लोग इनर क्लास बोल सकते हैं, सिंपल। अगर आपसे कोई बोल रहा है इनर क्लास, तो आप सिंपली समझिए नॉन स्टैटिक इनर क्लास। अब जो स्टैटिक है वो किस लिए, जैसे मेथड्स होते थे, वेरिएबल्स होते थे, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते थे वो क्लास के साथ एसोसिएट होते थे, एग्जैक्टली सेम वे जो क्लासेस भी होंगी, कौन सी क्लासेस होंगी, जो स्टैटिक क्लासेस होंगी वो क्लासेस भी सिंपली एज अ क्लास के साथ एसोसिएटेड होंगी। दैट मीन्स दे आर एसोसिएटेड विद द क्लास, एंड यू डोंट नीड टू मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास। दैट मीन्स ये जो इनर क्लास है वो एसोसिएटेड है इस क्लास के साथ, जुड़ी हुई है इस क्लास के साथ, और इस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप एग्जांपल डॉट इनर की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल स्टैटिक क्लास का मतलब ये है। दूसरी चीज़, जो इनर स्टैटिक इनर क्लास होती है वो आउटर क्लास की सारी स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ कर सकती है, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स को कॉल कर सकती है, नॉट नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। अगर कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल आउटर क्लास में है तो उसे ये कॉल नहीं कर पाएगी। अभी हम लोग ये सारी चीज़ें अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि स्टैटिक इनर क्लासेस को कैसे बनाते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सिंपल नॉन स्टैटिक की बात करें, नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस, तो नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस क्या होती हैं, जैसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, तो नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस भी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी होती हैं। तो उनका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्लास बना देते हैं ऐसे, क्लास इनर टू, तो ये जो नीचे वाली क्लास है ये नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस है, और ये जुड़ी होगी ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी होगी। तो इसका इनर टू का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऊपर वाली क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सेम वे जैसे वेरिएबल्स और मैथड्स। बट दिस क्लास कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक मेम्बर्स ऑफ द आउटर क्लास इंक्लूडिंग प्राइवेट, ठीक है। तो ये जो क्लास है वो आउटर क्लास के स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक दोनों वेरिएबल्स को यूज़ कर सकती है, मेथड्स को यूज़ कर सकती है, अगर वो वेरिएबल प्राइवेट है उस केस में भी, ठीक है। बट ये जो स्टैटिक, ये जो नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस हैं उनके और भी पार्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉन स्टैटिक क्लासेस हैं उनको हम लोग तीन तरीके से और लिख सकते हैं। सबसे पहला होता है मेंबर इनर क्लास, तो ये जो हमने बनाया वो मेंबर इनर क्लासेस है। फिर इनर क्लासेस जो होंगी वो आप मेथड के अंदर बना सकते हो, जिसको बोलते हैं मेथड लोकल इनर क्लास, और एक तरह की डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस क्लास, एनोनिमस क्लास, एनोनिमस क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ये सारी क्लासेस क्या होती हैं। तो बेसिकली हमें दो वीडियोज़ और चाहिए, एक में स्टैटिक इनर क्लास समझेंगे और दूसरे में समझेंगे इनर क्लासेस, दैट मीन्स नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस, दैट मीन्स हम लोग मेंबर इनर क्लास, मेथड लोकल इनर क्लास और एनोनिमस इनर क्लास समझें। अगर आपको इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।